लोगों को ऐसा लगता है कि मैं वहां पर जाके क्या करूंगा अभी तो मेरा पहला साल चल रहा है का मुझे तो कुछ पता नहीं चलता है ऐसा अभी अभी की जनरेशन को क्या हो गया कि दे वॉन्ट एवरी थिंग क्विकली एंड हैव दिस यू नो ओवर कॉन्फिडेंस के ये तो मैं सीख लूंगा ऑनलाइन के यूट्यूब देख के उसमें मुझे साइट पर जाने की क्या जरूरत है

सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि एजुकेशन कोई भी तरीके का क्यों ना हो बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप जब पढ़ रहे हो देन दोज द टाइम्स वेयर लेट्स से कि जब एग्जाम नहीं होती हो देन यू हैव एम्पल ऑफ टाइम इन योर डेली रूटीन विच एर नॉट गोइंग टू गेट इवन वेन यू आर एट एक्स वाई स्टेज ऑफ योर लाइफ आपके पास कॉलेज में जितना टाइम होता है इन टर्म्स ऑफ आवर्स पर डे विच इज़ अ फ्री टाइम देट से इज़ इज़ द मैक्सिमम इन योर लाइफ दैट यू कैन गेट इन होल योर लाइफ तो वो टाइम का प्रोडक्टिव यूज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो आई ऑलवेज यू नो सजेस्ट पीपल के बीच में ही देर वॉज यू नो द पैनल ऑफ रायगढ़ की कॉलेज है दे दट कॉल मी फॉर डिस्कशन टू हाउ टू मोटिवेट द इंजीनियर्स तो आई आई योर टाइम एवरी एवरी डे ऑफ योर

चार घंटे के छः घंटे के आठ घंटे जब आपने जो वो काम किया होगा जो प्रैक्टिकल ऑन साइड का एक्सपीरियंस लिया होगा दैट यूल एनके शिड वेन यू टेक योर फर्स्ट जॉब सो उसमें आपको इंटर्नशिप में कुछ नहीं नहीं मिला घर के भी पैसे जाए तो देन सो इट्स फाइन यू आर एटलीस्ट लर्निंग समथिंग वेन यू मूव अराउंड इन द साइट लोग को लोगों को क्या यूजअली ऐसा लगता है कि मैं वहां पर जाके क्या करूंगा अभी तो मेरा पहला साल चल रहा है पढ़ाई का मुझे तो कुछ पता नहीं चलता है बट इट्स नॉट लाइक इट डजें वर्क लाइक दैट यू वैन यू गो ऑन साइड यू लर्न थिंग्स ऐसा अभी अभी की जनरेशन को क्या हो गया कि दे वॉन्ट एवरी थिंग क्विकली एंड दे हैव दिस यू नो ओवर कॉन्फिडेंस के, के, yeah. this, you know, के uh, ये तो मैं सीख लूंगा ऑनलाइन यार यूट्यूब के वीडियो देख के उसमें मुझे साइट पे जाने की क्या जरूरत है बट इट इज नॉट दे शुड थिंक अदरवाइज दे शुड थिंक मोर डीपली दैट वेन एवर यू गो टू प्रोजेक्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्राम द प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू वो वो जो मैनेजमेंट या फिर वो जो साइट का कल्चर आपको देखने को मिलेगा वो आपको किसी यूट्यूब वीडियो या फिर गूगल पे देखने को नहीं मिलेगा सो so, जो आपको वहाँ पे क्विक एस्टिमेशन करना रहता है लेसे कि चलो आज पाँच कॉलम की भराई है और वो पाँच कॉलम में कितना आम कि कॉन्क्रीट जाएगा तो हाउ यू कैलकुलेट तो वो जो ऑन साइट आपको जब डिसीजन लेने हैं

हाउ द ब्लू कॉलर वर्कर्स वर्क वॉट आर देर एक्सक्यूज ऑफ नॉट डूइंग द वर्क वॉट आर देर यू नो रीजन ऑफ नॉट कम दैट डे हाउ डू टैकल दैट सो ऑल दोज थिंग आर यू नो एक्सपीरियंसड एंड अंडरस्टूड ओनली ऑन साइट्स सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सिविल इंजीनियरिंग में ले जैसे आपने बताया कि अर्थक्वेक्स हैं या फिर ऐसी कोई कैलॉमिटीज है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड के और मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि आप मान लो कि भले ही आपका एक्सपीरियंस आपको आपने डिसाइड किया है कि मुझे आ, सिर्फ बिल्डिंग एंड फैक्ट्री वो बोल बी एंड एफ बोलते हैं कि जिसमें सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉलम बीम कॉलम बीम इट इज कंसिड टू बी सिंपल कंस्ट्रक्शन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग बाकी डैम्स और टनल्स इरीगेशन प्रोजेक्ट दोज आर कंसिडर टू बी यूज स्किल कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बोला जाता है कैनाल्स हैं Hmm. तो ड्रेनेजेस, सजेस है स्ट्रीट लाइट्स है डिवाइडर्स है तो आपको अलग अलग सेक्टर में शुरुआत से ही एक्सपीरियंस अलग अलग जगह का लेना चाहिए कहीं मान लो कि रिजर्वर बनाना है कहीं पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनानी है पूरे विलेज की तो उसका hmm. स्केल क्या होता है सी बिल्डिंग अ रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट इज गिविंग हाउसिंग टू टू अ ग्रुप ऑफ पीपल विच आर इन हंड्रेड्स ऑफ क्वांटिटी सो इट इज बिल्डिंग बिल्डिंग अ स्मॉल विलेज अ माइक्रोस्केल विलेज इन दैट प्रीमाइसिस ऑफ योर्स सो एवरी थिंग ऑफ दैट क्लाइंट नीड्स टू बी केटर्ड राइट फ्रॉम द जिम इक्विपमेंट्स टू द स्विमिंग पूल सो मतलब आप आप खाली समझो कि कितना लेवल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए इन सब चीज़ों का आप कि आपको पता चले कि आप आपको कौन से कौन से चीज का इंपॉर्टेंस uh, पता चलेगा स्विमिंग hmm. पूल बनाना है तो पंप कितने एचपी का होना चाहिए रिसाइकलिंग वाटर कैसे होना चाहिए अभी तो सु ट्रीटमेंट प्लांट इज मैंडेटरी तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या है रिवर्स ऑस्मोसिस क्या बोलते हैं वैन यू डू द फाउंडेशन तो पाइल फाउंडेशन क्या है डाया फ्रम बोस दरअ लॉट ऑफ थिंग्स तो आप जैसे जैसे जितने इन इट ऑल्सो कीप्स जस्ट लाइक आई टी सेक्टर और टेक्नोलॉजी सेक्टर कीप्स ऑन इवॉल्विंग विद टाइम आज से पांच साल पहले डायाफ्रॉम वॉल क्या होती है के सात साल पहले अहमदाबाद में किसी को पता ही नहीं था नहीं ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्टर्स थे जो डायाफ्रॉम वॉल बना सके आज दस में से सात प्रोजेक्ट में डायाफ्राम वॉल का कंस्ट्रक्शन होता है यस yes. सो so, आपने पढ़ाई में डायाफ्राम वॉल पढ़ा है फिर आपने साइट पे देखा नहीं है तो फिर इट इज वेरी डिफिकल्ट अगर आप मान लो पढ़ाई के बाद आप सीधे मान लो डिरेक्टर की पोजिशन पे आई भी गए तो भी आप क्या कर लोगे वी डोंट अंडरस्टैंड द रूट्स सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि ये बेसिक बेसिक चीज़ें सॉइल एक्सकेवेशन की क्या पैटर्न uh, होनी चाहिए हाउ मच डस अ डंपर कैरी इन अ ट्रक इसमें भी यू नो इीगल चीज़ें होती रहती है uh, आपको वो कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि भाई मैंने इतनी माटी निकाल दी और बीच में कहीं बेच के आ गया तो यू नेवर नो तो so, वो सब चीज़ें एस्टिमेट करना इट इज़ इट इज़ इट इज़ रिलेवेंट के हाउ एवर लार्ज टीम यू हैव हाउ एवर पीपल यू यू हैव ऑन योर पे रोल बट इट वेरी इंपॉर्टेंट यू पर्सनली टेक इंटरेस्ट इन ऑल सच थिंग्स एंड वैन यू हैव दैट डिग्री दैन वाई नॉट